जय श्री कृष्णा। आज हम गीतादान गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का अध्याय पहला, जिसमें हमने पहले पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य और भारत की सभ्यता और संस्कृति। मौर्य साम्राज्य में हमने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार। क्या पढ़ेंगे? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का तो बिंदुसार का जो शासन था वो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन रहा। यह चंद्रगुप्त का पुत्र था। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। किसका था? मौर्य का पुत्र था। और इसको अमित्रोचेतस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमित्रोचेतस। क्या कहते हैं? अमित्रोचेतस। कौन कहता है? यूनानी लेखक। कौन कहते हैं? यूनानी लेखकों द्वारा अमित्रोचेतस कहते हैं। अमित्रो यानी जिसका कोई दुश्मन नहीं हो, जिसने अपने सब दुश्मनों को खत्म कर दिया गया हो। इसके अलावा भी बिंदुसार को वायु पुराण के अनुसार इसका नाम वायु पुराण में जो भद्रसार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? भद्रसार इसका नाम दिया हुआ है। और जैन ग्रंथों में इसका नाम है जो सिंहसेन दिया गया है। क्या दिया गया है? सिंहसेन दिया गया है। क्या दिया गया है? सिंहसेन नाम दिया गया है। अभी एक दिव्यावदान नाम का एक ग्रंथ है, एक लेखक है, लेख है, उसके अनुसार इसने तक्षशिला में विद्रोह हुआ। जब इसके शासन में तक्षशिला में विद्रोह हुआ तब इसने अपने पुत्र अशोक और सुसीम को उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। इसके अलावा भी इसके दरबार में कुछ राजदूत भी नियुक्त हुए थे, जिसमें यूनानी शासक जिसका नाम एंटियोकस नाम शासक ने, उस एंटियोकस शासक ने डाइमेकस, क्या है? डाइमेकस नाम का राजदूत, क्या? राजदूत नियुक्त किया था। इसी तरह मिस्र के शासक का नाम था फिलाडेफस। क्या नाम था? फिलाडेल्फस, इसको टामली सेकंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसने है जो और डियानोसियस नाम का राजदूत नियुक्त किया था। ये आपके किताब में बिंदुसार का मुख्य सार यही है। अब हम पढ़ेंगे बिंदुसार का पुत्र अशोक महान। इसके बारे में पढ़ेंगे, अशोक महान के बारे में पढ़ेंगे कि उसका शासन कैसा था। तो बिंदुसार का पुत्र था अशोक महान। कौन था? अशोक महान। चंद्रगुप्त मौर्य से बिंदुसार से बाद में आपका आएगा अशोक। कौन आएगा अशोक। अब अशोक का शासनकाल कैसा था? अशोक महान का शासनकाल है जो 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था।
बिंदु सात के विरुद्ध, विरोध यानी इच्छा के विरुद्ध है जो शास्त्र में कहते हैं इसने अपने 99 भाइयों और पिता की हत्या करके है जो शासन संभाला था, इसलिए इसको पितृहत्या भी कहते हैं। मास्ती और गुजरा जो शिलालेख हैं, जो लेख हैं उसके अनुसार इसका नाम अशोक कहा गया है और अन्य लेखों के अनुसार भी इसको देवानाम प्रिय भी कहा गया है, अर्थात देवताओं का प्रिय नाम। और कई जगह पर है जो देवानाम प्रिय दस्ती भी कहा गया है। विदिशा की राजकुमारी, क्या विदिशा की राजकुमारी के साथ इसका विवाह हुआ और उसी से इसको संघमित्रा नाम की पुत्री और महेंद्र नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। इसकी एक पत्नी का नाम कारु बाकी का भी उल्लेख आता है। इसने अपने राज्य अभिषेक के सातवें वर्ष में, कौन से में, राज्य अभिषेक के सातवें वर्ष में, राज्य अभिषेक के सातवें वर्ष में कश्मीर और खेतान को जीता था। राज्य अभिषेक के सातवें वर्ष में कश्मीर और खेतान नाम के शासन को मगध में मिलाया था। किसमें मिलाया था? मगध में। और इसके राज्य में लगभग संपूर्ण भारत और के साथ साथ अफगानिस्तान तक की सीमाएं तक इसने जो मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। अपने राज्य अभिषेक के आठवें वर्ष में इसने कलिंग यानी वर्तमान उड़ीसा पर आक्रमण किया। वहां पर है जो कलिंग पर किस वंश का राज था? नंदराज वंश। क्या नाम था? नंदराज नाम वंश का शासन था। क्या था? शासन था। मगध साम्राज्य के पड़ोस में एक छोटा सा राज्य कलिंग था और कहते हैं वहां पर जंगली संपदा हाथी और है जो भौगोलिक रूप से भूगर्भिक संसाधन भी थे, इसलिए उसने है जो उस पर शासन किया। कई बार ये भी कहते हैं कि उस पर है जो छोटे से राज्य उसको सहन नहीं हुआ, उस पर यहाँ पर भीषण नरसंहार हुआ और भीषण नरसंहार को देखकर वो विचलित हुआ और उसने शस्त्र त्याग की प्रतिज्ञा की। कलिंग युद्ध के उपरांत उसने भविष्य में युद्ध की या लोह रक्त की नीति, तलवार और रक्त की नीति का त्याग कर दिया और उसने जो जैन धर्म की दीक्षा, पहले वाले शासक जैन धर्म थे और उसने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की, क्या की? बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। किस किस के प्रभाव में आकर? दो बौद्ध साधु थे, एक का नाम था शरमण निब्रोत और दूसरे का नाम था उपगुप्त। क्या नाम था? उपगुप्त। ये दो साधु थे, इन दो साधुओं के प्रभाव में आकर इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी और इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा के बाद भेरी बौद्ध भेरी
घोष की जगह धम्म घोष, धम्म घोष की घोषणा की। अब भेरी घोष और धम्म घोष क्या है? भेरी घोष अर्थात पहले बौद्ध धर्म वाले लोग अपना प्रचारक धर्म और उनके संघों के बौद्ध की संघ थे छोटे छोटे उसके तरफ करते थे, उनके आधार पर करते थे। बाद में इन्होंने धम्म घोष अर्थात राजकीय घोष और उसकी दीक्षाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया, वो धम्म घोष कहलाया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और कलन जो हमारा संस्कृत लेसन था, कलन कलन का संस्कृत रहते था, उसने राजतरंगिणी क्या लिखा था? राजतरंगिणी नामक जो काव्य शास्त्र लिखा था उसके अनुसार ले जो बौद्ध धर्म से पहले वो शैव धर्म शिव का उपासक था। क्या था? शिव का उपासक था। जो शिव के उपासक होते हैं उसको शैव धर्म कहते हैं। बाद में ये अपने गुरु, इसका गुरु था मोगली, मोगली पुत्र तिष्ठ उसके प्रभाव में आ गया था। तो आज हमने इतना पढ़ेंगे चंद्रगुप्त का जीवन परिचय, और कल हम इसका है जो अगले टॉपिक में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक बिंदुसार और बिंदुसार के बाद में हमने अशोक पढ़ा, अशोक का जो जीवन परिचय पढ़ा। अगले टॉपिक में हम अशोक के शिलालेखों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।